नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। इसमें जो तीन मेन इसमें रोल है, एक हीरो है और जिनका जैसा यानी एक लो स्टोरी टाइप पिक्चर है, एंटरटेनमेंट भी है इसके अंदर और लो स्टोरी ऐसी दिखाई गई जैसे एक गरीब लड़का है और उसके एक एजुकेटेड होने के कारण उसके कॉलेज में एक नाम होता है उसका, उसकी पढ़ाई से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस रहते सब लोग। तो उसके ऊपर वो एक नई जैसा एक स्टूडेंट्स आती है जिसको हमने हीरोइन दिया गया है, अनन्या नाम दिया उसका हमने। तो वो उसके अंदर जैसा आने के बाद में उससे प्रेम करती है और बाकी के जो दोस्त उसके जो उसके साथ के जो हमेशा रहते हैं, एक एटीट्यूड उनके अंदर आ जाता है कि ये मामूली आदमी से प्रेम करती है और हमसे नहीं करती है। इस वजह से वो लोग उसे चिढ़ते हैं, दुश्मनी पैदा होती है और उसके कारण जो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते वो इतना बढ़ जाती है कि उसमें हमने एक्टर लिया है जैसा जिसको विलन का रोल दिया है पुलिस के रोल में, वो उससे मिलकर उसके साथ में जो अत्याचार जो होता है ये जो उसके उसके ऊपर जैसा होती है स्टोरी जैसी, तो उनके जो उस पर फिल्म आएगा खासकर। तो उसका यानी मैसेज हमारा सबसे बड़ा ये है कि जब भी अपने बच्चे पढ़े, यानी स्टूडेंट्स के लिए भी है, उनके पेरेंट्स के लिए भी है कि अपने बच्चों को जिस वक्त हम पढ़ाते हैं तो उस पर हमारी पूरी तरह से एक्टिविटीज़ रहे, उस पर ध्यान रहे कि हमारे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं। इसका अंत हमने ऐसा बताया कि आखिर प्रेम में इंसान इतना दीवाना हो जाता है कि वो अपनी लाइफ उसमें ख़त्म भी कर सकता है। मराठी पिक्चर में मेरा क्या काम है, पहले वक्त तो मैंने पहला क्वेश्चन इनसे कहा, तो इन्होंने कहा सर ऐसा है, हम ये दिखा रहे हैं कि कॉलेज में कैंप में एक शूटिंग चालू है और जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं वो शूटिंग देख रहे हैं, कोई शाहरुख खान के फैन है, कोई उसमें अमिताभ बच्चन भी हमारे लुक लाइक राज है जिनका नाम है वो भी है, तो ये आते हैं हमारे पास में, हमारा ऑटोग्राफ वगैरह लेते हैं, फिर पूछते सर मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूँ, आप भी कोई डायलॉग सुना दीजिए, तो फिर मैं डायलॉग सुनाता हूँ, तो अमित जी का फैन होता है फिर वो अमित जी के डायलॉग सुनता है, तो ऐसा करके उस तरह से इंटरटेनमेंट है। और फिर हम उनसे पूछते हैं कि आप लोगों को पढ़ाई में कितना इंटरेस्टेड है, तो फिर वो बता सर मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं वो बनना चाहता हूँ, तो एक छोटा सा रोल है, एक दिन का हमारा काम है लेकिन ऐसा गेस्ट, लेकिन वो इंपॉर्टेंस काम है, मतलब हम अगर वो रोल करेंगे तो फिर पिक्चर में एक यादगार रोल रहेगा कि हाँ भाई दो लुक लाइक आए थे अमिताभ और शाहरुख जी के जो लुक लाइक थे कि इन्होंने आके इस किरदार को अच्छे से निभाया करके, इन्होंने मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा, तो मैंने सोचा यार अपने भाई लोग हैं, बंधु हैं और सर खुद मीडिया से है, मैंने लगा नहीं यार मदद करना चाहिए, काम करना चाहिए, हालांकि ये मेरी पहली मराठी फिल्म होगी क्योंकि मैंने आज तक हिंदी फिल्मों में फोकस किया है, जैसे कि फर्स्ट कीजिए मैं सीरियल फिल्में जो होते मैं हिंदी करता हूँ, मैं मराठी गुजराती पंजाबी वगैरह नहीं कर पाता बिकॉज इसलिए कि मुझे लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन एक चीज़ इन्होंने बहुत अच्छी की है कि मराठी पिक्चर है लेकिन उसमें मुझे बोलना हिंदी, राइट सर? यस। और फिर जैसे कि एक बहुत बड़ा फैन होता है शाहरुख खान का, वो चाहता है कि शाहरुख खान का डायलॉग मैं मराठी में सुनूं, तो मैं थोड़ा गेम क्या कर देता हूँ, ठीक है मैं डायलॉग ये हिंदी में बोलता हूँ तो उसको मराठी में बोलूँ, तो मैंने थोड़ा सा ऐसा गेम करके थोड़ा सा गिमिक की उसमें, तो ये थोड़ा सा उसमें फायदा क्या। आज मेरे साथ में शकील भाई बैठे हैं, आज ये एक महीने से हमारी बातचीत चल रही है पिक्चर के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, तो डायरेक्टर हमारे है अभी अपकमिंग डायरेक्टर आ रहे हैं, तो मेरे पास आया तो मेरे को बोले गाने करने हैं, मैंने करते हैं, मैं टोटल हेल्प इनको कर रहा हूँ, क्या चाहिए, आर्टिस्ट चाहिए, कोई चाहिए, सब आइटम गर्ल चाहिए, दूसरी सेकंड हीरोइन चाहिए, क्योंकि अभी मैं झोलझाल पिक्चर करके आया मराठी, इससे पहले भी किया है काफ़ी पिक्चर किया, तो अभी इनको हेल्प कर रहा हूँ, जितना हेल्प मेरे तरफ से होगा इनको हेल्प करूँगा, अंतिम दाव के लिए हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे इनके लिए। आज ये आगे एक प्रोड्यूसर अगर जिंदा रहेगा 5,000 घर चढ़ते, तो इनको खड़े रखना हमारा काम है, हम लोग मेहनत करके इनको खड़े करेंगे। ये पिक्चर में 5 गाने हैं, 5 गाने मतलब एक आइटम सॉन्ग है, एक कवाली है, मतलब डिफरेंट अलग अलग वेराइटीज ऑफ सॉन्ग है, मतलब ऐसा नहीं मराठी पिक्चर में जैसे आइटम ही चलता वैसा नहीं, गुड आइटम सॉन्ग है और अच्छी कवाली एक है, बाकी ड्यूट सॉन्ग है, कॉलेज के बच्चे लोग के ऊपर है, तो एक कुछ नयापन है पिक्चर में, मतलब टोटल कॉमेडी पिक्चर नहीं है जैसे कॉमेडी पिक्चर बनती है। अंतिम डाव या टायटलचा एक शॉर्ट तुम्हाला मीनिंग सांगतोय, मानवाचे डाव खूप असतात, प्रत्येक जण आयुष्यात कुठल्या ना कुठले डाव खेळत असतो, पण मात्र त्यात तो फसतो जिंकतो हे तर चालू असतं, जसे जशा नाण्याला 2 बाजू असतात ना, चांगुलपणा वाईटपणा, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह, अशा 2 वृत्ती असतात, सज्जन आणि दुर्जन अशा 2 वृत्ती असतात, ह्या मानवाच्या 2 वृत्ती प्रत्येक डावात आपल्याला दिसायला पडतात, आणि हे सगळे डाव मानव जेव्हा आयुष्यात खेळतो जिंकतो तरीही प्रत्येक वेळी तो हारतो,
कारण नियती पुढे कोणाचं काही चालत नाही. दीपजींनी सांगितलं त्या बरोबर चित्रपटाचा महत्त्वाचा मुद्दा एक आहे की आताचे जे मुलं आहेत कॉलेज त्यांना जो व्यसन लागते ते व्यसनाच्या ज्या आहारी जात आहेत त्यावर आधारित हा चित्रपट आहे. आणि पूर्ण चित्रपटाची स्टोरी मीही सांगू शकत नाही सध्या, त्यामुळे बाकी दीपजींनी सांगितलंच आहे स्टोरी राहिली.